मलेहाबाद तहसील में महिलाओं द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। महिलाओं ने अनेकों समस्याएं उपजिलाधिकारी तहसीलदार के सामने रखी। उनका कहना था कि कोचदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और राशन कम देते हैं और पैसा भी ज्यादा लेते हैं। और महिलाओं ने बताया कि कोरोना से परेशान तो है ही हम लोग, और एक समस्या और आ गई, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि मलेहाबाद क्षेत्र में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, आम आदमी परेशान है। बिल ज्यादा आने से आम आदमी अपना बिल का भुगतान नहीं कर पा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बताया कि विद्युत अभियंता घर पर जाकर बिल न जमा होने के कारण कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। ये सब समस्याएं महिलाओं ने उपजिलाधिकारी मलेहाबाद के सामने रखी। उपजिलाधिकारी ने उनकी बातें सुनी और कहा कि इसकी जांच होगी और जो गलत पाया जाएगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। कौशाम्बी जनपद के करारी कस्बे के भरवारी रोड स्थित बड़ौदा बैंक से रकम निकालकर वापस निकले करारी कस्बे के आजाद नगर मोहल्ला निवासी मदरसे के क्लर्क को जालसाज ने अपने जालसाजी में फंसाकर 72,400 रुपए ठग लिए। रिटायर क्लर्क को रुपए बताकर कागज की गड्डी थमा दी और रकम लेकर फरार हो गया। थोड़ी देर बाद ही क्लर्क ने देखा तो जालसाज को दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन जालसाज फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसलों की तनख्वाह लेने आया था बैंक का बड़ौदा 72,400। जैसे मैं लेकर निकला तो एक अनजान आदमी मुझे मिला और झांसा देकर मुझसे कहा पैसा दिनो, और अपना पैसा देकर गिनने लगा कि फिर जमा कर दो, फरार हो गया। मैं उसके पीछे दौड़ा निकल और मैंने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। कहाँ पास की घटना है ये? क्या नाम है आपका? कौशाम्बी जनपद के लोकप्रिय सांसद विनोद सोनकर का फूल और मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भाजपा सांसद विनोद सोनकर को राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद जनपद में प्रथम आगमन पर समरोह चौराहे पर भाजपा युवा नेता आफाक अहमद ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ सांसद को फूल और माला पहनाकर मुबारकबाद दी। साथ ही सांसद ने भाजपा नेता आफाक अहमद के आवास पर जलपान भी किया। महाराष्ट्र दलित सेवा संगठन इनकी तरफ से धम्मचक्र दिन कार्यक्रम पिंपट बुद्ध विहार में संपन्न हुआ और कोरोना महामारी में अपने घर की परवाह न करते हुए कार्य किया गया। ऐसे लोगों को तहसीलदार, तलाठी, पुलिस, डॉक्टर इनको कोरोना योद्धा पुरस्कार और 5,000 मानधन देकर संस्थापक अध्यक्ष सुभाष सरोदे इनके द्वारा सम्मान हुआ है। अभी सभी अतिथि का स्वागत हुआ और इस कार्यक्रम में पुणे जिलाध्यक्ष संजय भाऊ रणदिवे, महिला अध्यक्ष वैशाली ताई शिंदे, युवा महाराष्ट्र अध्यक्ष शंकर गवली मौजूद थे। सर्वप्रथम माझा जय भीम व तसंच सर्व महाराष्ट्रातला माझा जय भीम। तर सर्वप्रथम आज धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या दिवशी माझ्या सर्व महाराष्ट्रातल्या बंधू भगिनी आणि माझ्या वडीलधारे यांना महाराष्ट्र दलित सेवा संघटनेतर्फे शुभेच्छा देत आहे। आमचे तसे संस्थापक, आमचे अध्यक्ष, आमचे भाऊ सुभाष भाऊ सरोदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज धम्मचक्र परिवर्तनाचा कार्यक्रम घेतला आहे। त्या उपस्थितीत जे केवळ म्हणजे कोरोना ह्याच्यात ते काम केलेलं जे अधिकारी यांना आपण मान सन्मान पत्र देऊन हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। तसंच धम्म परिवर्तन दिनाच्या दिवशी जे बाबासाहेबांनी ज्या 22 प्रतिज्ञा घेतल्या त्या प्रतिज्ञेचा सुद्धा आज पिंपळ बुद्ध विहारात आम्ही कार्यक्रम ठेवला आहे होता। त्याचप्रमाणे जे काही आपल्याला बाबासाहेबांनी ज्या 22 प्रतिज्ञाचं नियम पाळायला लावले तर माझ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या बंधू भगिनींना विनंती आहे की खरोखर तुम्ही सगळ्यांनी ते नियम पाळा आणि खरोखर बाबासाहेबांनी आपल्याला आज जागृत आज महिला आज भी आम्ही महिला जे उभे आहेत खरोखर बाबासाहेबांच्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्यामुळे उभे आहेत। आज त्यांनी आम्हाला की महिलांना पुढे जायचं, महिलांना प्राधान्य दिलं म्हणून आज आम्ही बोलतोय आणि त्याप्रमाणे आज मी आज महिला सक्षमीकरण महिला म्हणून आज इथं उपस्थित आहे। वैशालीताई शिंदे माझं नाव आहे आणि मी जे आज धम्मचक्र परिवर्तनच्या दिवशी शुभेच्छा देते। जय भीम, जय महाराष्ट्र। पुणे जिल्हा अध्यक्ष आज या ठिकाणी धम्मचक्र दिनानिमित्त महाराष्ट्र दलित सेवा संघटनेच्या वतीने कार्यक्रमात घेण्यात आलेलं आहे व तसंच कोरोना योद्धा सन्मानित पत्र महाराष्ट्र दलित सेवा संघटनेच्या वतीने या सन्मानित करण्यात आलेलं आहे। आज या ठिकाणी असं सांगू इच्छितो की
प्रत्येकाने बौद्ध धर्म स्वीकारला पाहिजे। बौद्ध धर्म हा म्हणजे शांतीचं प्रत्यक्ष आहे। ज्यावेळेस आपण बौद्ध धर्म स्वीकारतो एक माणसातली माणुसकीता बदलून जाते आणि सातत्याने जे ध्येय माणसाला गाठण्याचा प्रयत्न असतो ते या ठिकाणी सातत्य होतं। व महाराष्ट्र दल सेवा संघटनेच्या वतीने आज प्रवर्तन दिनानिमित्त पिंपळ बुद्ध विहार या ठिकाणी महाराष्ट्र दलित सेवा संघटनेच्या वतीने आज आपण कोरोना योद्धा प्रशासन प्रमाणपत्र देऊन 5,000 रुपये मानधन आपण ससून हॉस्पिटलचे डीन व या ठिकाणचे मुंडवा पोलीस ठाण्याचे PI हडपसर पोलीस ठाण्याचे PI व घोरपडी गावातील गोसावी PV तलाठी यांना आपण 5,000 रुपये मानधन आणि कोरोना योद्धा हे प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आलेलं आहे। आपण एक माणुसकी म्हणून प्रशासनाने वाढत्या प्रादुर्भावात कोरोनाच्या काळामध्ये पोलिसांनी 144 कलम लागू करून जमावबंदी लागू करून त्यांनी नागरिकांना आपल्या आपल्या घरामध्ये सुरक्षित बसवले आणि स्वतः रस्त्यावरती फिरत होते आणि त्यांनी कोरोना वाढता प्रादुर्भाव कमी करण्यात यशस्वी केलेला आहे। सुल्तानपुर बल्दीराय में लगभग 1 बजे भवानीगढ़ डीह संपर्क मार्ग के भवानीडीह मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दीराय पहुंचाया गया। बल्दीराय पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने गिरफ्त में ले लिया है। घायल व्यक्ति का नाम अमरजीत यादव सुतराम लाल यादव ग्राम कटैया बताया गया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बंधुआ कला में फील्ड ऑफिसर द्वारा किसानों को महीनों दौड़ाने के बाद भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया जा रहा। बैंक के वकील के नाम पर 1,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, जबकि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किसान दिवस मनाया जा रहा है। फील्ड ऑफिसर किसान से कागज ही नहीं ले रहे हैं और उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर अमहट रोड से मंडी जाने वाली पक्की सड़क जो सन 1978 में बनी हुई है, लेकिन आज तक उक्त सड़क खतौनी और नक्शा में दर्ज नहीं है, जिसके कारण या नक्शा छोटा बना करके अपनी जमीन बगल वाले किसान के खेत में निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाबूराम यादव, जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। क्या धरना प्रदर्शन था यहाँ पे आज का आपका? ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर हमारे जिले में भी जो संगठन है 3, वो जो हमारी ये सरकार ने भी काला कानून पास किया है, वो किसान विरोधी बिल, जिसमें MSP को ख़त्म करने की बात, आज पूरे देश के अंदर ये आह्वान था कि हम MSP लेकर रहेंगे। MSP दिवस के रूप में पूरे देश में आज कार्यक्रम ये हो रहा है और MSP पर कानून बनाने की बात हो रही है। अभी सरकार हमारी 1,888 रुपये तय किया है धान का रेट 1 कुंतल का, लेकिन कानून नहीं बना है ना, तो 1,000 रुपये में, 900 रुपये में, 1,100 रुपये में किसान अपने धान को बेचने के लिए मजबूर हो गया। अगर ये कानून होता तो कोई भी व्यापारी समर्थन मूल्य से कम पर खरीदता ना, वो डरता कि हम जेल जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे। यही हमारा ये सवाल था। दूसरा ये था कि हमारा ये अभियान भी चल रहा है पूरे देश के अंदर इसी काले कानून के विरोध में, पंजाब से लेकर के पंजाब हरियाणा, वहाँ तो रेल भी रोके हुए, रेल लाइन पर किसान बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इधर भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी पश्चिम से पूर्व तक के जिलों में किसान इस काले अध्यादेश के खिलाफ रोज लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और खेती बचाओ देश बचाओ अभियान भी चला रहे हैं और इस काले कानून के।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बे में विधायक निवास से कुछ ही दूरी पर मंगलवार को मां बेटी का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। दोहरे हत्याकांड की घटना पर पुलिस सक्रिय हुई और 24 घंटे के भीतर दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोहरे हत्याकांड के पीछे मृतक युवती के पति का साली से प्रेम प्रपंच बताया जाता है। जीजा के प्रेम में पागल युवती ने जीजा के साथ मिलकर अपनी सगी बहन और भतीजी को मौत के घाट उतार दिया है। कल हम लोगों को शाम में लगभग 7 बजे के आसपास की सूचना मिली कि सिराथू में एक मां बेटी की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना पर हम लोग वहां मौके पर पहुंचे अपनी फॉरेंसिक यूनिट के साथ और वहां हम लोगों ने जांच शुरू की। उस जांच का में हम लोग लगातार हम लोगों ने कई सारी टीमें बनाई थी इसके लिए अनावरण के लिए और इस घटना का हम लोगों ने आज सफल अनावरण कर लिया है। इसमें घटना इस तरह से कारित हुई थी कि इस महिला का जो पति है इसने ही उस घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद उस व्यक्ति ने कहानी रच दी कि जब ये सुबह वहाँ से 9 बजे 10 बजे उसने कहानी ऐसी गढ़ी कि 9 बजे वो घर से निकला इलाहाबाद के लिए और जब वो वहाँ से लौट के आया तब उसने देखा कि 6 बजे की इसके पत्नी और इसके बच्ची की हत्या कर दी गई है। जबकि जो कहानी जो जी इन्वेस्टिगेशन में हमारे निकल कर आई वो ये है कि ये व्यक्ति ने सुबह ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद चूँकि इसकी बच्ची भी जग गई थी उस समय तो इसको पकड़े जाने का खतरा हुआ तो उसके बाद उसने अपनी बच्ची का भी हत्या कर दी। उसके बाद जो आला कसल था वो भी घर में छुपा दिया था जिसको कि हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके बाद ये अपने बिल्कुल एक फिट पैटर्न के हिसाब से प्रयागराज गया और प्रयागराज में जाकर इसने कुछ दुकानों से कुछ खरीदे सामान ताकि वहाँ पर एक एविडेंस क्रिएट हो। उसके बाद सिराथू में भी आकर कुछ जगह इसने समोसे खरीदे कुछ चीज़ें खरीदी और हम लोगों को इस चीज को लेकर भ्रमित करने का प्रयास किया कि देखिए ऐसे ऐसे एविडेंसेज हमारे पास हैं कि हम इन लोगों के पास गए थे। सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्रॉस एग्जामिन किया और सर्विलांस के माध्यम से भी हम लोगों ने पता लगाया कि इसके अपनी साली से संबंध थे और दोनों ने मिलकर इस चीज़ को प्लान किया था कि अपनी बहन को, साली का ये कहना था कि उसकी बहन को हटाना ज़रूरी हो गया था रास्ते से क्योंकि उसके रहते वो लोग साथ में नहीं रह सकते। उसी क्रम में ये प्लान हुआ और ये घटना कारित हुई और इस पूरी घटना को हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण कर लिया है, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और टीम को मैं नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी करूँगा। और इसे एक मैसेज भी ये है कि अगर कोई तरह की घटना होती है तो हम लोग बिल्कुल उसको सीरियसली लेते हैं, तत्काल उसके अनावरण हम लोग करते हैं। बिल्कुल ये चीज़ उनके इंट्रोगेशन में भी है कि उसके बाद उसके पहले भी इसने बताया था कि इसे गंगा स्नान करना है। ये एक तरीके से तोड़ था कि हाँ ये जो है कल घटना जो है हो जानी है। उसके बाद भी इन लोगों ने उस चीज़ को कन्फर्म किया कि हाँ ये घटना हो गई है। उसके बाद तो दोनों ने मिलकर एक कहानी बनाई। प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बासुपुर के समीप सड़क दुर्घटना में एक 17 वर्ष की छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार बासुपुर गांव निवासी युवक संतलाल हरिजन उर्फ बैजनाथ उम्र 55 वर्ष शाम करीब 4 बजे अपनी पुत्री अनीता के साथ हंडिया दवा लेने के लिए गए थे। जब वे हंडिया से अपने घर बासुपुर वापस आ रहे थे और जैसे ही वे फ्लाईओवर के पूर्वी अंतिम छोर पर पहुंचे थे कि तभी फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे ट्रक की चपेट में आ जाने से साथ में बैठी उनकी 17 वर्षीय पुत्री अनीता मधुकर की ट्रक की चपेट में आ जाने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फूलपरास विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराने पहुंचे। समर्थक अनुमंडल कार्यालय के बाहर इंतजार करते रहे और एमएलसी विनोद सिंह अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन कराने पहुंचे। नामांकन करने के बाद जैसे ही बाहर निकले मीडिया और समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। विनोद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे टक्कर में कोई नहीं है, बिहार को नीतीश कुमार ने 15 सालों में बर्बाद कर दिया, बिहार में परिवर्तन की लहर है। वराइच नानपारा हाईवे पर जगह जगह एक्सपायरी डेट की टेबलेट पड़ी हैं, सिरप पड़ी है और क्रीम भी। एक्सपायरी डेट की महंगी दवाएं हाईवे पर एक तरफ से पड़ी है, सभी दवाएं 2018 में एक्सपायर हो गई हैं। दवा उठाने को लेकर हाईवे पर जगह जगह भारी भीड़ लगी हुई है। आखिर किसकी लापरवाही से एक्सपायरी दवाएं नष्ट करने को छोड़ हाईवे पर जगह जगह फेंकी गई है।